powered by Techno. महेश सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं सर? देखिए, दो स्टॉक्स हैं जो अपने दिमाग में आ रहे हैं। एक तो आपका सर स्नोमैन लॉजिस्टिक है, तो स्नोमैन लॉजिस्टिक में प्रमोटर कंटिन्यूस अपना स्टेक्स कुछ टाइम से बढ़ा रहे हैं, और रिसेंटली एक इनकम टैक्स का उनका जो था वो भी मैटर सॉल्व होता हुआ नजर आया है अपने को। तो दोनों स्टॉक्स के लिए दोनों ही चीजें पॉजिटिव है। कहने के पे ये स्टॉक्स जो है हमारे को समझ में बैठ रहे, ये लेवल से बाइंग की जा सकती है। 10 रुपए का 74 तक का स्टॉप लॉस लगाई, और टेक्निकली सेटअप के हिसाब से भी बात करें तो 88-90 प्लस के ऊपर जब भी क्लोज दे दिया तो स्टॉक्स के अंदर 110 से 125 तक के लेवल जो है अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो फंडामेंटली भी काउंटर ठीक है, प्रोमोटर भी ठीक है, और प्रोमोटर कंटिन्यूस इसमें स्टेक बढ़ा रहे, वो काफी एक पॉजिटिव है स्टॉक्स के लिए। और अभी वाला जो रिसेंटली इनकम टैक्स का जो इनका हुआ है वो भी पॉजिटिव होता है, तो ये स्टॉक्स के अंदर एक पॉजिटिव अपने को बना है। और इसमें हमारी स्पेस जी, दूसरा काउंटर है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को भी यहाँ से एक बाइंग करके चला जा सकता है। तो इंजीनियर्स इंडिया वैसे फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, तो ये 190 का स्टॉप लॉस लगाइए। 260 से 275 तक के जो टारगेट है इंजीनियर्स इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं, फंडामेंटली काफी बढ़िया है। तो ये काउंटर भी कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, और 1 साल का नजरिया बनाइए, आराम से इसके अंदर ये लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। जी ब्रजेश सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर्स हैं सर? अगर हम देखें तो आजकल लास्ट 2 या 3 दिन से अगर हम नोटिस करेंगे तो लीकर स्टॉक में बाइंग है, तो उस लिहाज से वरुण बेवरेज अच्छा लग रहा है। और वैसे भी एफएमसी सेक्टर्स में अगर हम उसको भी अगर उसमें एड ऑन करें तो दे आर आउट प्लेइंग द मार्केट। तो 639 रुपीज के आसपास में ट्रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर पे आप बाइंग कर सकते हैं, और डिप में अगर बाइंग करें तो टिल 3635 के लेवल तक अगर आप देखें या 630 तक के भी लेवल पर अगर आते हैं तो आप बाइंग कर सकते हैं। 620 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के चलें, टारगेट जो रहेंगे वो 680 के रहेंगे, टाइम फ्रेम होल्ड लगभग 1 हफ्ते का आप लेके चल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा पुणे वाला फिनकॉर्प। अगर हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट देखें तो एक हायर लोज फॉर्मेशन देखने को मिला है, ऑक्सीलेटर फ्रंट से बाइंग देखने को मिली है। जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, एवरेज होते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, उनके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, लगभग 400 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा सर पे आप बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 388। टारगेट जो रहेगा वो लगभग 420-425 का रहेगा, अगर उसके ऊपर अगर ये बन देता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हाई बीटा काउंटर है, 440 तक के भी लेवल दिखा सकता है, होल्डिंग टाइम फ्रेम 1 हफ्ता रहेगा। जी बिल्कुल, तो हमारे दोनों ही मेहमानों ने दो दो पिक्स दिए हैं, एक बार उनका रिव्यू कर लेते हैं। महेश सर ने दो काउंटर दिए, उनको एक बार नज़र डाल लेते हैं। एक तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, जहां पर कि सर ने खरीदारी की राय दी है, यहां पर 115-120 तक के भी टारगेट्स दिए हैं, और यहां पर 110 और 125 तक के टारगेट दिए, माफ़ कीजिएगा 95 का पहला टारगेट है, 83.5 पर चल रहा है 74 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरी इनकी जो पिक रही है वो है इंजीनियर्स इंडिया, जहां पर कि 235, 260, 275 के टारगेट, 214 पर चल रहा है ये काउंटर, करीब 24 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपको करीब 60 रुपये ऊपर तक के ऑन द मैक्सिमम साइड मिल जाएंगे। साथ ही ब्रिजेश सर की भी दो पिक ले लेते हैं। ब्रिजेश सर ने बताया वरुण बेवरेजेस, जहां पर कि 639 पर ये काउंटर चल रहा है, 19 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और करीब 41 रुपये ऊपर का टारगेट इस काउंटर पर देखते हुए बन सकता है। साथ ही दूसरा काउंटर जो ब्रिजेश सर की रडार पर था उसको भी ले लेते हैं। एक बार पूनावाला फिनकॉर्प, जो कि 400 रुपये का सर ने बाइंग रिकमेंड किया है, और 420 रुपये और 425 रुपये के रेंज में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 12 रुपये का स्टॉप लॉस यानी कि 388 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें। तो ये चार कॉल जहां पर कि हमारे दोनों ही मेहमान बुलिश हैं और बाय साइड पर रिकमेंड कर रहे हैं। ब्रिजेश सर, महेश सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। को पावर्ड बाई टेक्नो।